क्या रियलिटी है, जस्ट वर्ड्स। रिलीजन क्या है? एक्चुअल में तो एक वर्ड ही है। दो बुक्स हैं, उनके अलग अलग नाम है, ये क्या है? वर्ड्स ही तो है, उसमें कुछ अलग वर्ड्स हैं उसमें, तो ये वर्ड्स ही इंसान को इंसान से अलग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बात करते हैं नेशनैलिटी की, आज के लिए बड़ा हॉट टॉपिक है, जरा सा कोई कुछ बोल देता है तो उसको इमीडिएटली लोग आकर के बोलते हैं तो एंटी नेशनल है। व्हाट इज नेशनैलिटी? क्या नेशनैलिटी का मतलब यह है कि जो हमारी नेशनैलिटी है उससे अलग जिनकी भी नेशनैलिटी है, जो भी है, उन सबको गालियां निकालना, उन सबको उल्टा बोलना, ये है नेशनैलिटी का मतलब? ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। ये चीज देख करके मेरे को बड़ा बुरा लगता है। आप अगर देखोगे ना मेरी वीडियोस में नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर तरह के लोग हर जगह से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए आप में और कोई बंदा अगर कहीं कोई पाकिस्तान में है या कोई नेपाल में है कहीं भी है, मेरे को कोई फर्क नहीं है, इंसान तो इंसान है ना। तो जब वो लोग देखते हैं, वो लोग आकर के कुछ भी अच्छा बोलते हैं, नीचे लोग आ जाते हैं जो उल्टा सीधा उनको बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों, किस लिए? क्या वो इंसान बुरा है? वो तो आप तो उसको जानते तक नहीं हो, बस उसका सरनेम आपके सरनेम से अलग है, या उसने इतना लिख दिया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, शुरू हो गए। सर इसमें वो सोचते हैं ना कि हमने देश के लिए कुछ किया। मेरा एक फ्रेंड है जो जिसने एक बार ऐसी वीडियो में देखा और देखा कि पाकिस्तान से एक बंदा था जिसने कमेंट किया, अब वो उसकी बात को लेकर के ना चढ़ गया कि उसको भी मतलब गालियां देने लगा, उल्टी सीधी बात करने लगा, देन फिर कहता है कि यार देश के लिए तो इतना कुछ कर दिया मैंने। वो बेवकूफ आदमी ये कह रहा है कि मैंने देश के लिए किया, क्या उसने देश के लिए कुछ अच्छा किया है बुरा किया? देश का नाम अच्छा किया पूरी दुनिया में या खराब किया? क्योंकि यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी कंट्री, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी नेशन, यू आर दी नेशन, आई एम दी नेशन। तो व्हाट डज आवर नेशन स्टैंड फॉर? डू वी स्टैंड फॉर हेट्रेड और डू वी स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस? तो जो भी ये वर्ड्स आपके अंदर पड़े हुए हैं कि मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ये सारे क्या है? वर्ड्स ही तो है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मेल, अब ये मैंने बहुत जगह पे देखा है, जब भी मेरे लव ऑफ के सेशंस होते हैं ना उसमें नीचे कुछ कमेंट्स आते हैं, कई बार मैं देखता हूं कि भाई समझने के लिए कि लोगों की थिंकिंग क्या चल रही है, तो वहां पे पता लगता है देयर आर लॉट ऑफ गाइस जो उल्टा सीधा लिख रहे होते हैं फीमेल्स के बारे में कि सब धोखेबाज होती हैं, सब ये होती हैं, सब वो होती हैं। ये क्या है? ये रियलिटी है या सिर्फ वर्ड्स है? जो भी आपकी एक इमेज बनी हुई है बेस्ड अपॉन कभी किसी एक के साथ में कुछ एक्सपीरियंस हो गया, या आपको खुद को भी नहीं हुआ, आपके किसी दोस्त का कोई एक्सपीरियंस हो गया किसी के साथ में, उसके बेस पे आपने अपनी एक इमेज बना ली कि दुनिया की सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। तो अगर आप कहते हो कि ये रियलिटी है, कि नहीं सर आप गलत कह रहे हो, ये तो रियलिटी है, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, तो मैं पूछूंगा कि आपकी बहन भी ऐसी है?